दो साल तक कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की ऑफलाइन परीक्षा शुरू हो गई है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी के परीक्षार्थी एग्जाम देने के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन लंबे समय से लिखने की आदत कम हो गई थी और इसलिए परीक्षा देने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने इसका जायजा लिया है, वो देखिए। कोरोना काल की वजह से स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, ऑनलाइन उनकी परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन आप पहली बार परीक्षा भवन में रौनक देखने को मिली है क्योंकि आज यहां पर छात्र छात्राएं दो साल बाद ऑफलाइन परीक्षा देने आए हैं। मैं बात कर लेता हूं, ये तमाम अलग अलग कोर्स के छात्र हैं जिन्होंने दो साल बाद परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा भवन में बैठ के परीक्षा दी है। कौन से क्लास का आपका एग्जाम था? MBA फर्स्ट। कैसा अनुभव रहा इस बार? दो साल बाद पेपर दिया है तो अलग ही लगा थोड़ा। हाँ। लेकिन एक ही हैबिट चली गई थी इतने दिन से। हाँ। टाइम बाद इतनी देर तक लिखा। हाँ। इसलिए थोड़ा अजीब सा तो लगा। टाइम मैनेज करने में थोड़ी समस्या आई? नहीं, टाइम मैनेज करने में। आगे और भी बात कर लेता हूँ, आप बताइए, आप कौन से एग्जाम देके आए? सर, फार्मेसी का सेमेस्टर। तो पूरे दो साल बाद जब परीक्षा हुई तो कैसे लागू किया? आदत खत्म हो गई थी लिखने? आदत लिखने की बड़ी मुश्किल से, 3 घंटे बैठने में वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, और बाकी का कुछ ऑनलाइन क्लास हुई है, ऑफलाइन एग्जाम हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। बाकी का ठीक ही है। दो साल बाद एग्जाम दिया है, कोई परेशानी आई परीक्षा देने में? लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्जाम सब टाइम से हो गया पूरा? देखिए, लगातार स्टूडेंट्स कोशिश ये कर रहे थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू होना चाहिए, और ऑफलाइन तो एग्ज़ाम शुरू होते ही गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परीक्षा आज जो दी है वो ये कह रहे हैं कि लिखने की आदत खत्म हो गई थी, किसी किसी को टाइम मैनेज करने में समस्या आई, क्योंकि ग्वालियर का ये परीक्षा भवन है जहाँ यूनिवर्सिटी की जो भी परीक्षाएँ होती हैं वो इसी परीक्षा भवन में होती हैं, और आज जो PG फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं उसका दूसरा दिन है। ऐसे में स्टूडेंट्स का ये मानना है कि बहुत मुश्किल हो गया एग्ज़ाम देने में, अब आने वाले दिनों में जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो शायद उनकी राइटिंग स्किल भी बढ़ जाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।